बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको शुरू तो करते हैं एक एक्टिविटी को, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैं कि चलिए जो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन मीन्स एनर्जी सेविंग और इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। इसके पहले पार्ट वन में तो मैंने डिस्कस किया है कि आपकी जो प्लानिंग है, एनर्जी पॉलिसी है, उसमें कितनी कितनी स्कीमें हैं, और अभी बहुत सारी मतलब मेरे को जो डाटा मिला मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। 2002-2003 के जो प्रोजेक्ट्स थे वो अभी तक कंटिन्यूड हैं या डिस्बैंड हो गए हैं, तो अभी पता नहीं। तो इसलिए एनर्जी क्राइसिस फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और डिफरेंट स्कीमें आती रहती हैं, चेंज होती रहती है। तो ये मैं इस हवाले से सेकेंड फेज में मैं टेक्निकल इश्यूज़ पर बात करूँगा कि टेक्निकली मैं जिस जगह भी बैठा हूँ, चाहे घर पे हूँ, चाहे अपने प्लांट पे हूँ, चाहे दफ्तर में हूँ, तो टेक्निकल मैं एनर्जी की ऑप्टिमाइजेशन या सेविंग कैसे कर सकता हूँ, वो मैंने अभी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन। आप डिटेल में जाएंगे तो गूगल में भी आपको बहुत सारा इसका लिटरेचर मिल जाएगा आप चाहें तो। देखें, अब ये इलेक्ट्रिकल पावर डेफिशिएंट इन पाकिस्तान में, ये ग्लोब पूरे वर्ल्ड का एक दिखाया हुआ है कि हम लोग अंधेरे में बैठे हैं और दुनिया रोशन हो रही है और हमने एक अंधेरे में बैठे हैं। अब इसको ओवरकम कैसे करना है, इसे बेटर प्लानिंग से हो सकता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन है कि जब तक हम एनर्जी की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। नए नए प्लांट लगाते जाए, अगर वो प्रॉपर चल भी जाए, लेकिन आपकी एनर्जी कंजम्पशन बड़ी बढ़ जाएगी, तो जो है ना, आप ऑप्टिमाइज नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% भी बिजली बंद कर दें। किसी भी नेशन का तरक्की का दारोमदार उसकी एनर्जी कंजम्पशन पे होता है, ना कि एक एनर्जी सेविंग पे। आप प्लांट ही बंद कर दें, आप ऑफिस बंद कर दें, 100% सेविंग कर लें, तो ये इश्यू नहीं है। इश्यू तो ये है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर लें और इसको इलेक्ट्रिकली हम कैसे। अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये भी एक स्लाइड है कि डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक गोज अप, सिस्टम स्ट्रगल्स टू कोप एंडलेस लोड शेडिंग रिजल्ट्स, और लोड शेडिंग अभी भी चल रही है। पॉलिटिशियंस पाउंड देयर फर्स्ट फिस्ट ऑन डेस्क, प्रोटेस्ट बर्न इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर हेल्पलेस पैराफेरेनिया ऑन द स्ट्रीट्स, गवर्नमेंट स्विंग्स इनटू एक्शन, इमरजेंसी सप्लाईज आर स्टोर। हमेशा मैंने तो यह देखा है कि आज 70 साल से हम इमरजेंसी पे ही चले आ रहे हैं यहाँ पे। और ये एक स्लाइड है कि पाकिस्तान ने जब पहले हमने बहुत लिटिल अटेंशन टू द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप इंडिया में जाएं तो इंडिया में तो इसमें बहुत काम हुआ और हो भी रहा है। हमने अभी तक इसमें कोई खास काम नहीं किया, और बड़ी यूएसएड के तहत बड़ी कंपनियां आई भी यहाँ पे, उन्हीं ने ये कंसेप्ट दिया एनर्जी सेविंग का, लेकिन एक अभी भी हम उस तरीके से नहीं। आप टेक्निकल अवेयरनेस में मेरे साथ चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी सेविंग के हवाले से उसका क्वांटम जरूर पता होना चाहिए कि मैंने अगर जो इन्वेस्टमेंट की है उसके मुताबिक मुझे रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस हैज फोर्स्ड अस टू फॉर यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हेल्प टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ लोड शेडिंग। एफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। 30-40% कैन बी सेव्ड इन दिस रिगार्ड। अगर आप कहीं भी अपने प्लांट का भी एनर्जी ऑडिट आप खुद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे, तो आप ये सेव कर सकते हैं। अवेयरनेस टू आइडेंटिफाई द एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारी पावर पॉलिसी भी प्रॉपरली नहीं है। इन वेग इन पाकिस्तान इज द पॉलिसी फॉर जनरेशन, पॉलिसी कवर्स प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, और इसको कंप्लायंस नहीं होती। मैंने ये देखा कैपेसिटी एनहेंसमेंट एट लीस्ट कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंजीनियर, हमारे कंट्री में तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कोई इक्विपमेंट बन भी नहीं रहा, तो सारी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अब फॉरेन करेंसी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इनकी प्राइसेस भी डबल हो गई है, और सप्लाई का टाइम भी तकरीबन 5-10 साल का होता है। अगर आप एक नया प्लांट भी लगाएंगे तो 5-10 साल तक के बाद उसके ही पावर सप्लाई, उस वक्त आपकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, उस वक्त ये प्लानिंग चलती है आपकी या नहीं चलती। ये भी इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, अभी भी आपने देखा आईपीपीस के वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा है। एमओयू गवर्नमेंट ने अभी साइन भी किया है,
और सेफ गार्ड इन्वायरमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल ग्लोबल पॉलिसी बन गई है कि एनवायरमेंट को कैसे सेव किया जाए। अब ये देखें कंजम्पशन पाकिस्तान की, ये देखें कि ये भी मतलब आप देख लें कि वर्ल्ड का एवरेज तो चला जा रहा है 1.55 और पाकिस्तान का अभी भी बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन है 0.3। उसमें भी हम जो कहते हैं कि जो है ना हम और सेविंग कर लें यहाँ पे, और वो अभी आपके साथ अब ये जैसे डिफरेंट प्लांट्स है और फोरकास्ट किया हुआ है लोड शेडिंग का, ये 3000 मेगावाट, 6000 मेगावाट, 12000 मेगावाट तक जा सकती है यहाँ पे। पीक डिमांड हमारी जैसे ये राइजिंग ट्रेंड है, एक लीनियर फंक्शन में राइजिंग ट्रेंड में आ रही है। अभी सारी चीजों को हमने ओवरकम करना है, और इसमें अगर आप देखें इसी तरह समर और विंटर की भी मैक्सिमम डिमांड चेंज होती है, ये सबको पता आइडिया भी है कि समर में आपके जाना है एयर कंडीशन वगैरह या और बहुत सारी हीट के मतलब ये रिकवरी के यूनिट बहुत काम करते हैं, तो इसमें काफी वेरिएशन आती है। उसकी प्लानिंग में हमारी सबसे ज्यादा जो समर में हमें एनर्जी मिलती है वो हाइड्रल एनर्जी से मिलती है जो लीस्ट कॉस्ट पे। इसी तरह अब यह देखें मैक्सिमम डिमांड आप देख रहे हैं डिफरेंट है, ये एक एनालिसिस है और उसमें ये वेरी करती रहती है। हमारी सारी प्लानिंग इस पर डिपेंड करनी चाहिए कि मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी और हमारी जनरेशन कितनी हमें चाहिए यहाँ पे। अब हमारी इस वक्त तो ये पुराना है चार्ट, इसमें अभी तो 25-26,000 मेगावाट तक अभी पावर कैपेसिटी है। विंड एंड सोलर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है उसमें, चूंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इसमें से फिजिबल नहीं बनता, तो इसलिए विंड एंड सोलर का अभी अब शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ये कि अभी ग्रोथ रेट भी 4.8% हमारा है, तो उस हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग में रिसोर्सेज बहुत है सोलर की, हाइड्रल की भी बहुत रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन पीछे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी चाहिए, हर एक में हैवी चाहिए। विंड रिसोर्सेज भी बहुत है, ये जंपीर वाली पूरी लाइन है, ये पूरी विंड रिसोर्सेज में वर्ल्ड की बेस्ट है और यहाँ प्लांट भी अभी लगे। वर्ल्ड वाइड पावर जनरेशन अगर आप देख लें तो हमारी तो बहुत कम है, इस हवाले से बहुत ही कम है। पीक डिमांड 2012 में 17,000 थी, अब ये 21-22,000 मेगावाट, लेकिन ये कि हमें फिर भी लोड शेडिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, और अब कोई रेगुलेटर भी आ गए हैं और एसी लोड इंक्रीज कर गया कोई 500% के करीब। ये थोड़ा सा एक रिसर्च है यहाँ पे, इसीलिए हमें बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव पावर डेफिशिएंट और रिएक्टिव पावर डेफिशिएंट, रिएक्टिव को तो कोई कंसिडर ही नहीं करता, रिएक्टिव पावर भी बड़ी जरूरी है आपके प्लांट के ऑपरेशन के। इसी तरह सोल्यूशन इसके अगर मैं देखूं तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन मस्ट शॉर्ट टर्म मेजर, इंक्रीज हाइड्रो जनरेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन बाय यूजिंग हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी लॉस सेल्फ रिडक्शन बाय इंट्रोडक्शन प्रॉपर मीटरिंग सिस्टम, ये मैं टेक्निकल में जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ग्रिड सपोर्टिंग विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी, अनफॉर्चुनेटली द विंड टेक्नोलॉजी बीइंग इंस्टॉल्ड करंटली इन पाकिस्तान विल ओनली बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वी हैव अ डिपेंड अपॉन एक्सपेंसिव फॉरेन मनी, ये बहुत बड़ा है। इंडिजिनाइजेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके फॉरेन कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको अब कैसे किया जाए, उसका बेहतर तो ये है कि हम अपना कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज कर लें, तो गवर्नमेंट को मौका मिलेगा, जो स्टेक होल्डर्स उनको मौका मिलेगा कि अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाए यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी पीक डायमंड सप्लाई का ये फोरकास्ट किया हुआ आप यहाँ पे, अब देखें डायमंड भाषा डैम अभी फाउंडेशन बनी है जो बनना चाहिए था आपका, अब पता नहीं अब कब जाके ये बनेगा। थर कोल का भी अभी वो चीज मतलब ये कि कब आएगा, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर आप इसमें देखें तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो अब कंप्लीट ही नहीं हो सके यहाँ पे, अगर आप ये देखें अब ये बैकलैश आ रहा है। अब इस हवाले से हमारे पास फिर सोल्यूशन सिर्फ एक ही रह जाता है कि एनर्जी को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए यहाँ पे। एक बड़ा जरूरी है, मैंने भी अपने प्लांट पे, मैं भी एक प्रोसेस प्लांट पे काम करता था, कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट लैक करती है जब भी आप कोई एनर्जी रिसोर्सेज को उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह ऑप्टिमम अभी आपको पता चल जाएगा आगे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्राइटेरिया। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग नहीं करते। हर एक आदमी कहता है हमारे प्लांट में भी होता था कि मैंने जाना ये कम एनर्जी वाला बल्ब लगा दिया, देखें अब आपका बिल कम आएगा,
लेकिन बिल पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता था। ओवरऑल देखें, आप प्रायोरिटी जरूर देखें मॉनिटरिंग या टारगेटिंग में, और किसको टारगेट करना है। जो आपके मेजर एनर्जी कंज्यूमर है, जैसे अगर एक प्रोसेस प्लांट है उसमें 70-80% तो मेजर मशीन होती है, बाकी 20% लाइटिंग होती है। हमारी सारी एनर्जी सेविंग की कंजम्पशन का सारा लाइटिंग पे 15-20% है इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में 40-50% में होता है, बिल्डिंग्स में, ऑफिस वगैरह में। अपनी प्रायोरिटीज को उसके हिसाब से सेट करके एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें यहाँ पे। अब ये देखें, एनर्जी सेविंग बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट का कमिटमेंट, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, एनर्जी अकाउंटिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स। अब आप नहीं फिजिबल होंगे तो आप करेंगे। नेशन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय यूज ऑफ एनर्जी रादर देन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। बहुत अच्छा कैप्शन है। और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। तो आप आपके लिए फिजिबल। सोल्यूशन टू द प्रेजेंट क्राइसिस इज नॉट टू कट शॉर्ट द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम खर्च करें। द प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस नेसेसिटेटेड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत जरूरी है ऑप्टिमाइज। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने देखा है कि हम टेक्निकली लैग करते हैं, हमें पता ही नहीं कि किस तरह ऑप्टिमाइज करें। वो अभी मैं आपसे टेक्निकल अवेयरनेस के हवाले से आपके साथ कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपकी समझ ना आए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें कुछ मेजर इश्यूज मैंने बताए हैं। एक तो जनरल रिक्वायरमेंट्स, फिर वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन, लाइटिंग सिस्टम, मोटर साइजिंग, पावर क्वालिटी, टैरिफ प्रॉपर सेलेक्ट करें, पावर फैक्टर एंड प्लांट लोड फैक्टर। मैंने यहाँ देखा है कि हम सारे यहाँ पे जितने सीनियर इंजीनियर्स हैं सारे पावर फैक्टर पे जोर है या लाइटिंग पे जोर है। सारा वो समझते हैं कि सारी जो दूसरी टेक्निकल चीजें हैं वो प्रॉब्लम में नहीं रेज कर सकते। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलता हूँ यहाँ पे। तो आप मेरे से टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे आप आजकल VFD या सॉफ्ट स्टार्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो VFD काफी एफिशिएंट है अगर आप उसे प्रॉपर इस्तेमाल किया था। कंज्यूमर्स आर कॉमनली पुअर इन्फॉर्म्ड ऑफ द सेविंग्स ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज 30% एफिशिएंट, वेयरएज कंबाइंड साइकिल अप टू 90%। इसमें आपके पावर प्लांट के भी काफी लॉसेज होते हैं। मैं अब वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम सप्लाई वोल्टेज देखें। अब एक प्लांट अगर है तो आपने उसमें जो सप्लाई, अगर एक इंडक्शन मोटर को भी सप्लाई देनी है तो उसने टॉर्क इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। आप जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे टॉर्क मोटर को इतनी बड़ी। अगर आपकी टॉर्क को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं आप, मतलब जितनी भी, और इसमें एक बड़ा ऑप्टिमम सप्लाई वोल्टेज में वर्ल्ड में एक नोला प्रिंसिपल चल रहा है जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरर ने मोटर कंट्रोलर्स बनाए हुए, और उसमें वो क्लेम करते हैं कि 80% तक, न्यूज में इसका एड भी आता था कि 80% तक आप सेविंग कर सकते हैं। उसमें करते क्या है कि ये सेकेंडरी साइड पे वोल्ट आप उसकी टॉर्क को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू, और इसके लिए स्लिप के बजाय, स्लिप भी इस्तेमाल हो सकती है और पावर फैक्टर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वो मॉनिटर करता है, वो फीडबैक करता है। तो इनपुट वोल्टेज सपोज आपकी 400 वोल्ट अगर इनपुट है, उस वोल्टेज को जो है क्या कहते हैं आप कम कर देते हैं कि जितनी टॉर्क रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सिंपल इसी तरह की बात है कि अगर आप एक मैदान को धक्का लगा रहे हैं, आपको ये इस यहाँ पे पता है कि दो बंदों से भी धक्का लग जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें चार बंदे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि दो बंदों की आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सेम इज द केस हेयर कि आप एक्स्ट्रा वोल्टेज देख के टॉर्क अगर ज्यादा भी दे देंगे तो उसका मोटर को कोई फायदा कुछ नहीं है। उसमें ये होगा कि आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, और अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं वोल्टेज को तो आपकी एनर्जी कम से कम खर्च होगी। मतलब ये कि आप सेविंग आ जाएगी, चाहे आपकी अपनी जनरेशन हो, फ्यूल की कॉस्ट में खत्म बढ़ जाएगा, कुछ भी कर ले। इवन अगर आप एक और सजेशन है, और ये भी मैंने एक वेबसाइट में बड़ा अच्छा, मतलब अगर आपकी अपनी ओन जनरेशन है, देखें यूटिलिटी की सप्लाई तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी ओन जनरेशन है तो ओन जनरेशन में आप वोल्टेज को, आप ये देखें कि मेरे प्लांट पे या मेरी HVAC वगैरह लगे हुए हैं तो कितनी मिनिमम वोल्टेज में ये टॉर्क ले लेते हैं। अगर आप इस टॉर्क, अगर वोल्टेज आपको 400 के बजाय 350 भी कर दें तो आपकी आपकी जो टॉर्क डेवलपमेंट कम हो जाएगी, टॉर्क डेवलपमेंट कम होगी तो आपकी एनर्जी कम खर्च होगी और आप जो है ना क्या कहते हैं सेविंग कर सकते हैं। तो ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ वोल्टेज का एक कंसेप्ट है, ये आपने बहुत जरूरी है।
मतलब अगर आप वो एनर्जी सेविंग के प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं तो आपको ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सप्लाई की वोल्टेज में। लोग तो ये समझते कि नहीं जी 400 है तो 400 ही, आप उसको 200 पे भी चला सकते हैं अगर आपका सेकेंडरी इनर्शिया कम है जिस चीज को आप चला रहे हैं, आप 200 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, मतलब इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसी तरह पावर क्वालिटी है जिसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं, पावर क्वालिटी। अगर हार्मोनिक्स आपके बिटवीन 5-10% है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जिसको THD कहते हैं, और ये अगर फिल्टर वाल्टर इसमें लगे हुए प्रॉपर अर्थिंग की हुई है तो 30% एनर्जी इन यूरोप ओवर द लास्ट 5 ईयर, ये हमने डाटा लिया है स्टैटिस्टिकल डाटा, उससे ये पता है उसमें सेमी हो सकते हैं, कंसिडर टू बी अ फ्रंट लाइन, क्योंकि अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बढ़ गया है, इसलिए पावर क्वालिटी आपकी साइन वेव के बजाय डिस्टर्ब हो रही है। इसमें हार्मोनिक्स में थर्ड हार्मोनिक्स UPS थर्ड हार्मोनिक्स क्रिएट करता है, VFD फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक क्रिएट करती है, उसमें आपके एनर्जी लॉसेज बढ़ जाते हैं। इस एनर्जी लॉस के सेविंग की टेक्निक्स हैं, इसके फिल्टर्स हैं, और वो अगर फिल्टर लगा लेंगे तो आपकी एनर्जी सेविंग है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कोई चीज हम बना नहीं रहे, हर चीज इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो ये फिल्टर काफी एक्सपेंसिव है। उसके फिर दूसरे तरीके हैं, ओवर साइजिंग है, तो ओवर साइजिंग अगर आप करेंगे तो उसमें आपकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपको अपनी इकोनॉमिक्स को भी आपको बिल्कुल फिजिबल बनाना पड़ेगा उसके हिसाब से कि मैं कितना खर्च करूं और मेरी कितनी सेविंग होगी। तीसरा पॉइंट अगर इसमें है कि ओवर वोल्टेज इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन, जारी बात है वही जो मैंने अपने टॉर्क के वाले से आपके बताई है, तो वो आप वोल्टेज को भी मिनिमम ऑप्टिमाइज लेवल पर रखें। यहाँ पे सब्सटेंशियल एनर्जी सेविंग कैन बी मेड इन मोटर्स बाय रीचिंग वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू वैरायटी ऑफ लोडिंग कंडीशन, ये अभी जो मैंने आपसे बात की है नोला प्रिंसिपल की। अगर एक मेरी मोटर का इनर्शिया कम है, मैं बिल्कुल अब आगे और भी आएगा, 5 किलोवाट की बजाय मैं 10 किलोवाट की वोल्टेज लगाता हूं, लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी जो पावर की है वो 5 किलोवाट की है, तो ये 10 किलोवाट नहीं होगा कि मेरी मोटर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज में, अब चाहे सोलर में चले जाए, विंड पे चले जाए, चाहे UPS लेना चाहे, चाहे कुछ भी करें, एफिशिएंसी की कंसिडरेशन हम करते ही नहीं है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मोटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोटर में अगर आपने ओवर साइज की मोटर लगा दी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। नॉर्मली स्टैंडर्ड वोल्टेज है 85 की, HEM जो मोटर जिसको हाई एफिशिएंसी मोटर कहते हैं उनका 95-99% होता है। अगर आप इसमें स्टैंडर्ड मोटर, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड मोटर मिलती है 85% की, अगर आप इसमें ओवर साइज की मोटर, जैसे अगर 25 किलोवाट की मुझे चाहिए और मैं 50 किलोवाट की लगा देता हूँ, तो इसकी मोटर की एफिशिएंसी भी 50-60% हो जाएगी। इस 50% की वजह से इनपुट पावर आपकी बढ़ जाएगी, ये 50% जो एनर्जी एफिशिएंसी का जो लॉस है, ये आपको ऊपर, अगर आप 25 किलोवाट की मोटर लगाए आपकी कैपिटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी, एनर्जी सेविंग होगी और आपका काम भी चल रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पंप चलाना, ब्लोअर चलाना, जो भी है कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि आप मोटर की साइज, बाद होता है कि आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए थे मोटर में, उसमें आपको बड़े साइज की मोटर, कभी जैसे सीमेंट प्लांटों में जाता है कि कभी बड़ा पत्थर आ जाता है कन्वेयर पे, कभी छोटा पत्थर आ जाता है, तो वहां छोटी मोटर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी प्रोसेस की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने इसकी ऑप्टिमाइज करना है मोटर की साइजिंग को, तो प्रोसेस को भी आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप देखें टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 10% होगी, 2008 में शायद इम्प्लीमेंट हुई है IEC के कोड के मुताबिक। अब आपने अगर बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं तो उसमें टॉलरेंस लिमिट एज पर IEC होनी चाहिए, तो उसमें आपको फायदा है। जारी बात है फिर आप कम वोल्टेज पे भी आपका इक्विपमेंट ज्यादा सेफ है, चल सकता है। बाय एफिशिएंटली ब्रिंगिंग द सप्लाई वोल्टेज द लोअर एंड ऑफ द सैचुरेशन वोल्टेज रेंज, वोल्टेज ऑप्टिमाइज कैन सेव अप टू 13%। हार्मोनिक एंड ट्रांजिएंट ये पावर क्वालिटी का पार्ट है, वोल्टेज अनबैलेंस। अभी वोल्टेज अनबैलेंस का मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें लेटेस्ट हमने IEC के कोड और NEMA के कोड के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ये भी मेंटेनेंस के इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस कॉजेस वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, अगर आपकी तीनों फेजेस में अनबैलेंसिंग है, और ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि IEC की कोड में 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली 2-4% हम देते हैं, लेकिन कुछ कोड में 1%, कुछ कोड में 2%, कुछ कोड में 3% है, और आप जो भी कोड फॉलो करते हैं उसमें ये 1% होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो आपकी एफिशिएंसी के लॉसेज हो जाएंगे, एफिशिएंसी के लॉसेज होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ऑपरेटिंग द इंडक्शन मोटर अदर देन रेटेड वोल्टेज
and as you can see, can result in reduced motor efficiency and adverse effects on power factor, breakaway torque, starting current, etc. Unbalanced voltage can result in large negative sequence currents in the motor, causing large increase in motor losses. For same horsepower, operating motors with higher speed have higher efficiency and rated loads. Duty cycle plays an important role in reducing the energy wastage. अब इसमें ड्यूटी साइकिल के बारे से आपकी एप्लीकेशन क्या है मोटर की, कंटिन्यूस है, शॉर्ट टाइम है, ब्रेक मोटर है, तो ये वीडी रेगुलेशन में जो जर्मन कोड है उसके अंदर S1 से लेके S8 तक ड्यूटी क्लासिफिकेशन है। अगर आपने मोटर खरीदी है और ड्यूटी के हिसाब से जो आप ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूटी की है, लॉन्ग टर्म ड्यूटी की है, उसी हिसाब से आपको मोटर भी लेनी पड़ेगी। और इसी तरह हाई एफिशिएंसी मोटर में कॉस्ट अगर ज्यादा देखे, अगर आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनती है तो आप हाई एफिशिएंसी मोटर लेंगे, पाकिस्तान में बनती नहीं है। अगर आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट करने में आपकी कॉस्ट, उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखें, अब ये मैंने एक स्लाइड लगाई है कि आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन ऑपरेटेड टू लिमिट द मैक्सिमम वोल्टेज अनबैलेंस टू 3%। ये आपकी NC के कोड में है, व्हेन मेजर्ड एज द इलेक्ट्रो यूटिलिटी। अगर आप मेरी YouTube के चैनल पे जाएंगे तो वोल्टेज अनबैलेंस का मैंने डिटेल में कुछ एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको एफिशिएंसी कितनी कम होगी ये आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। वहां पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन IC रिकमेंड दैट द मैक्सिमम वोल्टेज अनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम बी लिमिटेड टू 2%। कंकरेंटली नेमा द डेवलपर ऑफ NC C 84/1/1995 इन द स्टैंडर्ड नेमा MG1 motors and generators recommended that the for voltage imbalance greater than 1% induction motor should be derated by the appropriate factor। ये भी आपको एक picture, एक graph है, उसके अंदर मिल जाएगा अगर आपकी मेरी वो मतलब वो देखेंगे। IC standard also restrict the permissible voltage imbalance on induction motors to 1% and require derating of the machine। अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की है तो वो डीरेट हो जाएगी, 4-5% तक डीरेट हो जाएगी मोटर की, तो आप उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, आप ओवरलोड नहीं करेंगे मोटर। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आपकी मेंटेनेंस में भी, एनर्जी सेविंग में भी, ये छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप इनका ख्याल रखें तो आपकी इसी तरह सप्लाई में भी आप उसी हिसाब से फिर मोटर लेंगे। मैं 10 kW की मोटर क्यों लूं, मुझे 5 kW की मोटर तो मेरी कैपिटल कॉस्ट कितनी बच जाएगी और एनर्जी सेविंग तो अलग है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। ये थी एक जनरल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको सामने बता दी। अब कुछ मैं इंडिविजुअल सिस्टम की बात करता हूँ, जैसे लाइटिंग सिस्टम है। अब लाइटिंग सिस्टम में LED का बहुत ज्यादा आ जाएगा कि आपने लाइटिंग लेवल नीड्स आपको बड़ा जरूरी है। अब आपका CLF लैंप्स भी है, LED लैंप्स भी है, लेकिन कॉस्ट के वास्ते इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपने देनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइटिंग कितने लक्स आपकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली 350-500 ऑफिस वगैरह में रिकमेंडेड है। तो लाइटिंग लेवल नीड क्या काम आप कर रहे हैं, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में है तो आपको 1000 लक्स चाहिए। लक्स इज द लुमेंस पर मीटर स्क्वायर। तो लाइटिंग अगर क्वालिटी कंट्रोल में अगर आप काम कर रहे हैं, इसी तरह लाइटिंग की जो फिक्स्चर है उसका सिलेक्शन भी आपका एफिशिएंट लैंप फिक्स्चर लेने चाहिए। कौन सा फिक्स्चर, किस जगह में, किस तरह उसको इस्तेमाल करूं ताकि मेरी सारी रिफ्लेक्शन से लाइट ना जाए। डायरेक्ट अगर मेरा यूज है तो मेरे को डायरेक्ट लाइट ज्यादा से ज्यादा मिले। इसी तरह उसकी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। सर, लाइटिंग कंट्रोल और लाइटिंग डिजाइन आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, जिसमें आपकी और जनरली प्रायोरिटी किसको देनी है। प्रायोरिटी आपने मशीन को देनी है या लाइटिंग सिस्टम को देनी है, क्योंकि आपने एफिशिएंसी भी आप ही किया है। मोस्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स हैव 100 or 1000 लैंप्स फॉर मेनी यूजर्स। द टोटल प्रोडक्शन सेविंग्स आर लार्ज टेक्निक्स फॉर अचीविंग सेफ कंफर्टेबल लाइटिंग सिस्टम विद मिनिमल एनर्जी वेस्ट इंक्लूड। मैचिंग लाइटिंग लेवल फॉर यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क अंडरटेक इन द स्पेस चूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट लैंप्स फॉर द एप्लीकेशन। इसमें फिलिप्स ने बहुत काम किया है, यूजिंग एफिशिएंट लाइटिंग फिक्स्चर, रिफ्लेक्टर, शील्डिंग, हाउसिंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम प्रॉपरली, यूजिंग नेचुरल डेलाइट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, इंस्टॉलिंग डिवाइसेज फॉर ऑटोमेटिकली कंट्रोल स्विचिंग। Both new and existing buildings offer large potential for cost saving for lightings. जैसे सिंपल सी बात है, मैं आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास अगर कन्वेंशनल चोक लगी है ट्यूबलाइट में, फ्लोरोसेंट लैंप में,
अगर उसकी जगह आप इलेक्ट्रॉनिक तो उसके तकरीबन 12 से 14 वाट लॉसेज होते हैं। ये आपको अगर 36 वाट की है तो उसमें 12, 14, 15 वाट आप उसको ऐड करना पड़ेंगे कंजम्पशन में। उसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वो लगा देंगे चोक तो वो 2 से 3 वाट है, आपकी ये 10 वाट की सेविंग है। अगर आपकी, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहता, आप खाली ये करेंगे आपकी जो चोकें खराब हो रही है उसकी जगह आप जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चोकों को ज्यादा प्रेफर करें तो आप उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होगी लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे 15-20% यूज इन आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम, 75% एनर्जी कैन बी सेव विद मॉडर्न एप्लीकेशन, 500 लक्स जनरल कहते हैं बायोमेडिकल, इसमें आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। यहाँ पे बंदों के काम करने की एफिशिएंसी बनती है। अगर डिफरेंट लैंप्स की लुमेंस आउटपुट है, आप एप्लीकेशन हिसाब से लुमेंस आउटपुट जितनी ज्यादा जिससे मिलती है वो आप, अगर सोडियम लैंप की सबसे ज्यादा है तो आप लुमेंस आउटपुट ले लें। ये अभी आप इसमें काफी हो रही है एफिकेसी, मतलब ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये डिफरेंट मतलब गॉगल से लिए गए, आपको वाइट LED लैंप अगर है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एफिकेसी ज्यादा है तो लुमेंस आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगी। आपको इकोनॉमिकल फिजिबल एप्लीकेशन के हिसाब से जितना यूज है, अगर मतलब मैं अगर घर में हूँ तो बेडरूम में आपको कोई शैंडलर वगैरह नहीं चाहिए तो आप अपनी एप्लीकेशन कंजम्पशन के हिसाब से उस हिसाब से लाइटिंग का डिजाइन, लोग अपने जहाँ किचन है वहां तो लाइट का तकरीबन, घर की अगर एग्जाम्पल हो तो किचन में तो लाइट कम होती है और आपके बेडरूम में लाइट ज्यादा होती है, तो किचन में जहां आप काम कर रहे हैं वहां ज्यादा जरूरी है। इस एप्लीकेशन का अप्लाई करेंगे तो आपकी बहुत सेविंग होगी, आपके यूटिलिटी के बिल में भी बहुत सेविंग आएगी। अब ये LED लाइट्स के हैं, अब ये नई डेवलपमेंट है जिसमें कलर भी LED आ गए हैं तो आप ये कंपेरिजन, लेकिन इनकी कॉस्ट ज्यादा है। अब कॉस्ट भी चाइना की मार्केट में आने के बाद काफी कम हो गई है तो आप ये LED लाइट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट की टोटल फिजिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बल्ब उठा के आप ये लगा दें, आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाए क्या करना है और फेज वाइज काम करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर से, इंडक्शन मोटर के हवाले से जो मैं पहले भी आपको बात बता रहा हूँ, ये देखें अगर आप इसके साथ कर्व में देखें लोड टॉर्क कर्व है। अब इस लोड टॉर्क कर्व को आपने मैच करना है मोटर जो मशीनरी जिसको वो चला रही है, जो सेकेंडरी है उसके हिसाब से आपने इसको चलाना है। यहाँ पे अबाउट 70% वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ओवर 50% ड्राइव पावर कैन बी सेव्ड एज स्टेटेड बाय इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मोटर्स आर जनरली रन अबाउट 50% कैपेसिटी, ये वर्ल्ड वाइड है। आप पंप खरीदने जाते हैं वो बड़ी मोटर लगा के दे देता है, लॉसेज अकाउंट फॉर 40-80%, मोटर्स आर द लार्जेस्ट अब्यूजर्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये हम मैं आपसे बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। नासा इन अर्ली 70s स्टेटेड दैट मोटर्स कुड ऑपरेट एफिशिएंटली बाय इफेक्टिव कंट्रोल, दैट इज द नोला प्रिंसिपल, मोटर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 80% ऑफ इट्स फुल लोड, एट लो लोड मोटर एफिशिएंसी ड्रॉप रिजल्टिंग इन हीट वाइब्रेशन नॉइज एक्सेट्रा, मोटर्स कैन कंट्रोल इट्स इनपुट पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टॉर्क रिक्वायरमेंट, जनरली मोटर्स आर ओवरसाइज्ड टू मिसेलेनियस रीजंस, अगर वो जेन्युइन रीजन है तो कोई मसला नहीं है, ओवरसाइज मोटर्स ऑन वेरिएबल लोड विद फिक्स्ड स्पीड लेड टू एक्सट्रीमली एनर्जी इनएफिशिएंट, कन्वेंशनल फ्लो कंट्रोल मेथड्स आर इनएफिशिएंट, VFD कैन सेव एनर्जी फ्रॉम 3-60%, HEMs कैन सेव एनर्जी और वोल्टेज आर्मेचर कैन सेव एनर्जी आल्सो, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी कैन रिड्यूस वर्ल्ड एनर्जी नीड्स इन 2050 बाय 1/3, there are abundant opportunities to save up to 70-90% of the energy in lighting, 50% in motors, in general the global circularization predicts 75% savings. Motor sizing isme bada important hai, motor can be correctly sized to match the load they are expected to drive, motor selection high efficiency motor with improved efficiency ratings of up to 10% can be substituted for standard construction, aur motor controls mein ये आपने अगर उसकी टॉर्क कंट्रोल में कंट्रोलर अगर आपने लगा दिया है जो नोला प्रिंसिपल पे बेस करता है वो आप उसकी टॉर्क को कंट्रोल करेगा और आपकी जो है ना पावर कंजम्पशन कम से कम होती जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजाइनर हैड सेफ्टी फैक्टर्स एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर इन क्रिटिकल बिल्डिंग सिस्टम एंड कैलकुलेटेड डिजाइन लोड्स आर यूजुअली कंजर्वेटिव रिलेटिव टू एक्चुअल ऑपरेटिंग लोड्स, डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच एज फैन पंप्स एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर।
Resisting load is less than the initial design load due to energy management activities and the charge and use. Large motors can override load fluctuation agar aapki zarurat hai without dropping out. Voltage imbalance in three phase power supplies can cause increase in motor losses. ये मैं अभी आपसे पहले बात कर चुका हूँ यहाँ पे. Motor is underloaded if less than 60% of rated capacity is applied. Motor is overloaded if load is more than 100% of the rated capacity. Motor temperature rise in excess of the rating difference in motion. Ambient temperature is 80 degree centigrade. Voltage imbalance should not be over than. ये मैं पहले मैं ये अभी मैंने latest जो code दिखाने हैं उसमें तो वो 1% से ज्यादा आई सी 1-2%. तो नॉर्मली होता ही है कि 2% तक लेते हैं वोल्टेज अनबैलेंस, और अगर अगर इंस्टेंटेनियस है तो वो 4% तक भी बर्दाश्त कर लेते हैं. लेकिन अब आपको ये कि कितना करना है ये अब आपका अपना डिसीजन होगा. और इसमें आपके मेंटेनेंस के बहुत प्रॉब्लम हल हो जाते हैं वोल्टेज अनबैलेंस. और हमेशा आप ये देखें कि अगर आप वोल्टेज अनबैलेंस इस वक्त है जब आपकी इनपुट पावर में या तो वोल्टेज चेंज होगी, या अगर इनपुट पावर सही है और आपकी जो है ना क्या कहते हैं करंट आपका डिफरेंट आ रहा है और पावर बिल्कुल तीनों फेज में बैलेंस है विद इन लिमिट है, इसका मतलब है कि मोटर के अंदर कोई फॉल्ट है, उसकी वाइंडिंग में कोई फॉल्ट है. तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा वहां पे. एक और इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव सिस्टम, इसमें भी बहुत लॉसेज होते हैं. यूजफुल फॉर तो 70% है और 30% इसमें लॉसेज होते हैं. अगर इसमें आपने बेल्ट पुली ड्राइव है, गियर बॉक्स है, आपने प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया तो इसमें भी बहुत लॉसेज आएंगे. यहाँ पे भी आप काफी बचा सकते हैं. ये देखें ये स्लाइड है आपके सामने, कपलिंग आपने प्रॉपर सिलेक्शन अगर कपलिंग की है तो आपकी बहुत सेविंग हो जाएगी यहाँ पे. और अगर आपको वाल्व को थ्रोटल भी ना करना पड़े, वाल्व भी प्रॉपर होना चाहिए. अगर वेव भी आजकल जैसे लगा रहे हैं तो स्पीड से काफी सेविंग हो जाती है. तो लेकिन मोटर को कपल तो करना है, उस कपलिंग के लॉसेस को भी आपने कम करना है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव सिस्टम कंज्यूम मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. मोटर एनर्जी कॉस्ट टिपिकली अकाउंट फॉर 95% ऑफ मोटर लाइफ साइकिल कॉस्ट. 20-30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव बाय एफिशिएंट ईएमडीएस सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव सिस्टम. ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस बाय 5% अगर प्रॉपर आपने. हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले ये कह देते हैं ये गवर्नमेंट का ये मैकेनिकल वालों का काम है कपलिंग कौन सी लगाएं, लेकिन अगर आप एक एनर्जी ऑडिटर हैं तो उसमें आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको इसको देखना पड़ेगा. ये कुछ रिकमेंडेशन हमने बनाई थी जो गवर्नमेंट को भेजी भी है. गवर्नमेंट शुड कंसिडर अडॉप्टिंग मैंडेटरी मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर इन लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस. हमारे यहाँ हैं अदारे हैं लेकिन उस तरह काम नहीं करे. आप शालकोट गुजरावाले में जाए तो नॉन स्टैंडर्ड मोटर बहुत पड़ी है, उनकी एफिशिएंसी मैंने कैलकुलेट की है, मैं आपको बता भी सकता हूँ 50-60%. इतनी इनएफिशिएंट है. और जनरली ब्रांडेड मोटर तो 80-85% स्टैंडर्ड मोटर्स होती है. अब देखे ज्यादातर ये प्लांट में और इंडस्ट्री में शालकोट गुजरावाले की कॉटेज इंडस्ट्री की मोटर लगा रहे हैं, उस मोटर से आपके लॉसेज एनर्जी के लॉसेज कितने बढ़ गए. जितनी चीज अगर थोड़ी कैपिटल कॉस्ट में मोटर की कॉस्ट पे लगा ले इतना आप चंद महीनों में यूटिलिटी कंपनी को एनर्जी की कॉस्ट पे बचा के दे सकते हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट शुड एग्जामिन बैरियर्स टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव सिस्टम. अब ये जैसे एचसीएल मोटर पहले तो बैन थी यहाँ पे जब मैं काम करता था परसों प्लांट में, तो बाकी वो क्योंकि मोटर लोकल बनती है इसमें इसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा थी. अब जो है अगर कोई एफिशियंट हर इक्विपमेंट को हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी कंसिडरेशन के हिसाब से उसको जो लोकल मैन्युफैक्चर है या बाहर से भी है. अब जैसे आजकल है कि चाइना से जो चीजें आ रही हैं वो 50% में चाहिए आप 50% वाले भी दे देंगे, आपको 80% वाले चाहिए 80%. ये तो आपका अपना डिसीजन हो गया. ये बैरियर्स आपको ओवरकम करने पड़ेंगे. यहाँ पे नीड टू फोकस पॉलिसी अटेंशन ऑन ईएमडीएस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. Concentration of energy use in a few countries, importance of motors to energy consumption in all countries, difficulty of targeting small motors. The importance of the system is best selection of components. आप efficient energy efficient component लें और उसकी cost consideration के साथ wider adoption and correct settings of control, especially VSDS जो variable speed drives की अभी बात हो रही है. Improve design, control and maintenance of the system.
अब ये देखें सिंपल, मैंने थोड़ी सी कोई गुड प्रैक्टिसेस फॉर सिस्टम, पंपिंग सिस्टम में क्या करें, उसमें पाइप वर्क में हर एक चीज में एनर्जी की सेविंग है सर। ये पंपिंग सिस्टम की एक स्लाइड है। उसके बाद देखें एयर मूवमेंट सिस्टम से मिनिमाइज मिस यूज एंड वेस्ट। एयर मूवमेंट सिस्टम आपके जितने उसमें क्या क्या, फैन सिलेक्शन प्रॉपर एफिशिएंसी का होना चाहिए, मोटर सिलेक्शन ऑप्टिमम एफिशिएंसी की होनी चाहिए और मेंटेनेंस प्रॉपर हो यहाँ पे। इसी तरह कंप्रेसर सिस्टम में बहुत ज्यादा मतलब ये है, आप कंप्रेसर सिस्टम में अगर आप एयर की सप्लाई इम्प्रॉपर होगी तो आपकी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है। एयर की कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरह VFD और VSD वेव स्पीड ड्राइव्स वगैरह काफी इफेक्टिव है, कॉस्ट आपकी ज्यादा है कि पाकिस्तान में नहीं बनती। अगर आप लोग प्रपोज वर्क प्लान अगर बनाए तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी दे वेव स्पीड ड्राइव्स का यूज, फैंस, पंप्स, इंडक्शन मोटर फेज वन में। उसके बाद टू में जाए तो गेयर्स, हार्मेटिक कंप्रेसर फॉर डोमेस्टिक एंड लाइट कमर्शियल इक्विपमेंट। इसी तरह थर्ड फेज में जाए तो एयर कंप्रेसर्स, एलिवेटर्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोटर्स, अदर पंप्स। मैं अभी आपको एक पूरा एक चार्ट भी दिखाऊंगा आगे, इम्बेडेड मोटर्स, मेंटेनेंस मैनेजमेंट और मोटर रिपेयर यहाँ पे, लार्ज मोटर, स्पेशलिस्ट मोटर और मिसेलिनियस मोटर। अब ये देखें ये डिफरेंट कंजम्पशन है, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्री में 64% है। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज बाई कंट्री, ये EMBS सिस्टम कहाँ का किस किस तरह चल रहा है, ये हर कंट्री वर्ल्ड का एक चार्ट है यहाँ पे, ये मैंने किया है ड्राइव से। उसके बाद अब अगर आप जाए टेक्निकल अवेयरनेस में, पावर क्वालिटी ये लीस्ट कंसेंट्रेशन दी जाती है इसको। हम इक्विपमेंट खरीद, जितने हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अगर किसी ने कह दिया कि VFD से बड़ी आपकी जाने का कहते हैं बिजली बच जाएगी तो VFD खरीद लेते हैं। इसी तरह जनरेटर में भी कोई फ्यूल कंजम्पशन का कोई हिसाब ही नहीं रखते। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं कि जनरेटर खरीदना मैंने, उसकी का जो कंसिडरेशन होनी चाहिए सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कंजम्पशन है, तो फ्यूल कंजम्पशन का भी कोई ख्याल नहीं रखता। बस ये कि भेड़ चाल मची हुई है जिसमें कॉस्ट कम है, अगर आप कॉस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसकी पैरामीटर्स क्वालिटी भी। इसी तरह पावर क्वालिटी में आप ये देखें कि लोड को हमेशा एक लीनियर लोड होता है, एक नॉन लीनियर लोड होता है, तो जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो नॉन लीनियर लोड कहलाते हैं, और ये आपकी साइन वेव को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो पिक्चर में भी आपको दिखाया, मैं अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ। इस साइन वेव की डिस्टर्बेंसेस के हवाले से आपकी जाने कहते हैं क्वालिटी खराब हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप पानी गंदा पानी पियेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, आप मिनरल वाटर पीते हैं, इसी तरह आपकी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर आप उसमें क्या कहते हैं ये अगर नॉन साइनसॉइडल फॉर्म की बिजली देंगे तो आप उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगे, आपकी एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगी यहाँ पे। और जिस तरह जैसे इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हैं, आपके फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं, आपके UPS हैं, कंप्यूटर्स हैं, फोटोस्टेट मशीन्स हैं, ये सारी नॉन लीनियर लोड में आती है और इसकी बड़ी कंसिडरेशन होती है। और पावर क्वालिटी में एनर्जी लॉसेज और प्री मेच्योर एजिंग ऑफ इक्विपमेंट, हीटिंग बढ़ती है, थर्मल लॉसेज बढ़ जाते हैं और प्रोडक्शन लॉसेज आपके ज्यादा होंगे यहाँ पे। अब ये देखें ये एक आइडियल पावर क्वालिटी है, ऊपर का जो कर्व है जो ब्लैक है वो है वोल्टेज का, उसके अगर आप देखें तो THD लेवल लिखा हुआ 1.4%, THD टोटल हार्मोनिक, ये मीन वैल्यू है जितने हार्मोनिक्स आते हैं, और उसका 1.3% है सेकंड फेज में, और थर्ड फेज में 1.2% है, और करंट में 6.9% और 7.3% और 6.8%। अगर आप IC के कोड में जाएं तो मेरे पास है, उसके अंदर वो इसके लेवल बनाता है Class 1, Class 2 and Class 3, इन्वायरमेंट कंडीशन देखता है उस हिसाब से उसकी ये एप्लीकेशन जो होती है 5% से लेकर 10% तक, 8% तक है शायद वहां पे, वो अगर आप उसमें देखें तो आपने वो मेंटेन करना पड़ता है कि आपको पावर क्वालिटी ये आइडियल है। और ये देखिए ये डिस्टॉर्टेड पावर क्वालिटी है, एक UPS की अगर आपके घर में भी UPS लगा है, प्लांट पे UPS लगा है, ऑफिस में UPS लगा है, तो आप अगर उसका हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे स्पेक्ट्रम से अगर आप कर लें और ऑसिलोस्कोप से कर लें तो ये देखें ये डिस्टर्ब है, और इसमें करंट हार्मोनिक देखें 69.70% के करीब आ रहा है, और आपका जो आइडियल है
वो तो है तकरीबन 5% होना चाहिए, जो मल्टीनेशनल कंपनी ने ग्लोबल रूल्स भी बना रखे हैं। और इसी तरह अगर आप यूपीएस भी खरीदे तो उसमें इनपुट फिल्टर होना बड़ा जरूरी है, वीएफडी खरीदे उसमें इनपुट फिल्टर होना बड़ा जरूरी है, जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का खरीदे तो उसमें आप अगर आप उनसे बात करेंगे कि इसका हार्मोनिक लेवल इस लेवल में मैं मेंटेन करना चाहता हूं, तो वो उसी तरह ही चलेगा वहां पे। ये देखिए हार्मोनिक स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे, और रेक्टेंगुलर सप्लाई वोल्टेज। हाँ, अब मार्केट में यूपीएस बहुत मिलते हैं, वो रेक्टेंगुलर सप्लाई देते हैं, 20% इंक्रीज इन लॉसेज हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज के टीएचडी लेवल 10% रिजल्ट्स इन एडिशनल 6% लॉसेज, ट्रांसफार्मर लॉसेज इंक्रीज 10-15%, डीएलडिंग ऑफ जनरेटर विल बी 10% देयर ओवरऑल लोड ऑफ नॉन लीनियर कलेक्टर इज 30%, इंक्रीज इन कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू ओवरसाइज। इसका एक हल भी है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, अब ओवरसाइज कर दे, ओवरसाइज करने से केबल मैंने बड़ा लगा दिया तो आपकी थर्मल लॉसेज कम हो जाएंगे, उसमें थर्मल मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो थर्मल लॉसेज थर्मल हीटिंग कम होगी। यहाँ पे ये आपने क्या कहते हैं देखना है। अब यह हार्मोनिक्स में क्या होता है, अब हार्मोनिक्स में अगर आप जाएं तो अब इसमें होगा ये कि थर्मल लॉसेज बढ़ जाएंगे, अफेक्ट ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस कंपोनेंट एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं और आपने एक मोटर मंगाई जो क्लासिफिकेशन में वन, उसकी एक टेम्परेचर क्लासिफिकेशन T1 से लेकर T6 तक, और आपने कोई टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिया और उसको हैजर्डस एरिया में मोटर को लगा दिया, उसकी टेम्परेचर चूंकि हैजर्डस एरिया में लगाया है तो उसकी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ही जारी बात हैजर्डस एरिया में या पावर क्वालिटी की वजह से हार्मोनिक्स की वजह से उसकी चेंज हो जाएगी। सो इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर्स ऑन दे आर डिजाइंड ऑन प्योर साइन वेव, द रोटर में ओवर हीट ड्यू टू हार्मोनिक्स रिजल्टिंग हॉट रोटर एंड डैमेज ऑफ सील्स, टेम्परेचर एक्सीड्स द टी क्लास। ये देखें ये कोड दिया हुए, तो इसमें फिर कहते हैं कि 3% से ज्यादा वोल्टेज डिस्टॉर्शन इज परमिटेड, इससे ज्यादा नहीं है। हार्मोनिक्स भी 2% ज्यादा 2% नहीं होना चाहिए ज्यादा। इसी तरह जनरेटर में थर्मल लॉसेज अफेक्ट ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज डिस्टॉर्शन, ये जनरेटर में भी लॉसेज होंगे, ट्रांसफार्मर में भी थर्मल लॉसेज, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड न्यूट्रल करंट्स, ट्रांसफार्मर डीरेटिंग, केबल में भी थर्मल लॉसेज बढ़ जाएंगे, आपके मिसलेनियस फैक्ट्स में नेगेटिव सिक्वेंसिंग केसेस, कंडक्टर ओवरहीटिंग, स्किन इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर फेलियर, फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, फ्री स्प्रे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर रिजल्टिंग इंक्रीज इन आयरन लॉसेज, कॉपर एंड रेडिकल लॉसेज इंक्रीज लॉसेज, ये पावर क्वालिटी अगर आपकी खराब होगी, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग बाय यूटिलिटी मीटर, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे मेजरिंग इक्विपमेंट टेलीफोन फ्यूज रिलेज कैपेसिटर सब में प्रॉब्लम्स आएंगे आपके यहाँ पे। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है टेक्निकल अवेयरनेस में टैरिफ, अगर आपने प्रॉपर टैरिफ नहीं लिया तो अगर मैंने इसके अंदर जो रिव्यू टैरिफ स्ट्रक्चर, आप अपने यूज के हिसाब से ऑप्टिमम टैरिफ लें। बहुत जगह मैंने देखा, मैंने एनर्जी बहुत सारी कंपनी को किया है, तो उस हिसाब से एक कंपनी में तो मैं आपको बता दूं आपको कि मैं उसमें तो जाने का लोड फैक्टर को चेंज कर ले, मैक्सिमम डिमांड उसकी कम हो जाएगी, मैक्सिमम डिमांड से फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, फिक्स कम करोड़ों रुपए की बचत होती थी। ये देखिए एक बिल है कंपनी का और ये लेटेस्ट टैरिफ है के इलेक्ट्रिक का, तो आप अपनी कंजम्पशन के हिसाब से आप उसका टैरिफ भी वही सेलेक्ट करें जब आप वहां पे अप्लाई करेंगे। वहां पे ये टैरिफ है, यहाँ पे ये मैं अब इसकी डिटेल में मतलब कहीं बिल्कुल ही पावर सप्लाई ऑफ ना हो जाए यहाँ पे। ये इसी तरह पावर फैक्टर, तीसरी चीज है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में अगर आप ये क्या कहते हैं अगर आप जाए, ज्यादातर हमारे जो है ना एनर्जी के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, ये पावर फैक्टर या लाइट इनका दो पेट सब्जेक्ट है। तो पावर फैक्टर में भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे बांग्लादेश मैंने देखा था वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट है 0.95 और हमारे यहाँ है 0.9 है, अगर 0.9 से अगर आपका पावर फैक्टर ले सको तो आपको पेनल्टी लगेगी। उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, रिएक्टिव पावर एड अप करते हैं। अब आप इसमें इस पिक्चर में भी ये देख लें कि ये दो वैक्टर एक पावर फैक्टर है, एक पी और एक क्यू है, तो हम क्यू को भी रीयूटिलाइज कर रहे हैं इसके अंदर कैपेसिटर में रिएक्टिव पावर कम करेंगे। अगर आप इसका वेक्टर डायग्राम देखेंगे तो आपको इसी तरह ही
वो मिल जाएगा यहाँ पे पाव फैक्टर। तो इसकी पेनल्टी का ये देखिए पूरा फार्मूला मैंने दिया हुआ है कि आप इसमें अगर आप कैसे पेनल्टी निकालती हैं, ये जो है ना क्या कहते हैं आपके पाव फैक्टर पेनल्टी है 0.9 माइनस पाव फैक्टर इंटू ये 290, बहुत पुराना रेट है, अब तो 400 समथिंग हो गया। इसके बाद मैक्सिमम राउंड इंटू टू, ये आपको पाव फैक्टर पेनल्टी अगर आपकी, तो आपकी पेनल्टी बच जाएगी अगर आपने कैपेसिटर बैंक वगैरह पे काजेज ऑफ लो सिस्टम ओवरलोडिंग सिस्टम लॉसेज रिड्यूस वोल्टेज लेवल्स इंक्रीज पावर कॉस्ट इम्प्रूविंग लो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूंगा आपको कि एक इंडस्ट्री का हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हमने एनर्जी ऑडिट किया था, उनकी जो पावर सप्लाई आ रही थी जो मैक्सिमम डिमांड आ रही थी वो 6 मेगावाट थी, और हमने कहा कि इसका लोड फैक्टर अगर आप इम्प्रूव कर लें तो ये 2.5 मेगावाट हो जाएगी, तो आपको जो फिक्स कॉस्ट 400 रुपए पर किलोवाट से दे रहे हैं तो 6 मेगावाट पे दे रहे हैं तो करोड़ों रुपए आपके साल के बचते। सिर्फ उसमें था कि लोड फैक्टर को इंक्रीज करें, तो लोड फैक्टर को अगर आप मैं ये देखें, ये अगर आप यह देखें हाई लोड फैक्टर मीन्स ग्रेटर टोटल आउटपुट, पावर प्लांट में भी लेस एफिशियंट एट लो लोड फैक्टर, हाई लोड फैक्टर मीन्स फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्ट और मोर किलोवाट आवर ऑफ आउटपुट। इससे ये होगा कि आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है। यहाँ पे लोड फैक्टर का ये फार्मूला मैंने दिया कि एनर्जी यूज इन किलोवाट आवर इंटू वन मैक्सिमम डिमांड, ये पूरा फार्मूला है इसके अंदर। तो अगर आप लोड फैक्टर में ये यहाँ पे दिखाएं कि अगर आप इसको वहां पे भी मैंने यही कहा कि आप इसको नाइट शिफ्ट में भी लोड को स्प्रेड कर दें, तो उससे ये होगा कि आपकी अगर 3 शिफ्टें चलेंगी तो लोड फैक्टर को 80% तक चलाने की कोशिश करें। अगर आप 80% तक चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सारी पावर टैरिफ में भी कंजम्पशन कम हो जाएगी, मतलब ये पावर टैरिफ। ये देखें ये उसी इंडस्ट्री का है कि जिसका जाना मैंने हमने किया था, उनको सजेस्ट किया था तो रिडक्शन इन कॉस्ट उनकी कम हो गई, ये 23.74% और इसमें आ रही है एवरेज कॉस्ट में पर किलो वाटर में आ रही थी 10.11 11 11 11% यहाँ पे। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, इसका एनर्जी ऑडिट किसी अगर प्लांट का आप कर रहे हैं बिल्डिंग का कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि हिस्टोरिकल एनालिसिस करें। उसमें मैं तो ये करता हूँ कि 3 से 5 साल का डाटा लेता हूँ आपकी एनर्जी कंजम्पशन का, और उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्शन लेवल लेता हूँ, और ये पहले फेज में हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, उस डाटा का हम एनालिसिस करते हैं और इस एनर्जी कंजप्शन को स्प्रेड आउट करते हैं आपकी प्रोडक्शन के साथ कोरिलेट करते हैं, और एक फिर एक टारगेट सेट करते हैं। इस टारगेट पे आपने लास्ट में अचीव किए हुए ये टारगेट, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल एनर्जी कंजप्शन का टारगेट क्या होना चाहिए, और उस हिसाब से कोशिश करते हैं कि अब इसमें कमी कैसे हो सकती है। तो आप फिर हम प्लांट पे जाते हैं और उसका एनर्जी सर्वे मतलब प्लांट पे देखते हैं लूपहोल्स कहाँ पे है, उस लूपहोल्स को फिर ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरे फेज में टेक्निकल असेसमेंट और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और आप इसके अंदर क्या कहते हैं ये कर देंगे। देखिए वर्किंग स्ट्रेटेजी ये हमने बताई है यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस, चिलर प्लांट का ये देखें पूरा इस तरह हमने किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, रिकमेंडेड ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन ये आप कर सकते हैं, मतलब ये कि 1 2 3 4 अगर इसकी डिटेल में जाएं तो आपको ये सारा सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पे 5 6 7। अब ये थोड़ा सा कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि हालात सही नहीं है। इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड लोड फैक्टर विल रिड्यूस डिमांड चार्जेस एंड लाइन लॉसेस, एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 0.85 to 0.96 विल गिव 11.5% रिडक्शन ऑफ पीक वैल्यू एंड 21.6% रिडक्शन इन पीक लॉसेस, दिस करस्पॉन्ड टू 14.5% रिडक्शन इन एवरेज लॉसेस फॉर अ लोड फैक्टर ऑफ 0.8। अवॉइड रिवाइंडिंग ऑफ मोटर्स, मोटर जितनी भी रिवाइंडिंग उसकी एफिशियंसी कम होती जाएगी, इन जनरल रिवाइंडेड मोटर्स हैव एन एफिशियंसी लॉस ऑफ 5% द रिवाइंडेड मोटर्स ऑन लो ड्यूटी साइकिल्स, यूज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कंजम्पशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वोल्टेज एट लोअर लेवल विल सेव एनर्जी, इलिमिनेशन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल टू सेव एनर्जी अप टू 20%,
यूज ऑफ सी एफ एल और एलईडी लैंप्स लैंप्स कैन सेव एनर्जी अप टू 70%, रेगुलर मेंटेनेंस कैन सेव एनर्जी, यूज ऑफ 36 और इंडिया में मैंने ये देखा है, मैंने देखा कि उनकी एक बड़ी अच्छी 28 वाट की ट्यूबलाइट में पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आई है। यहाँ पे यूज ऑफ सोडियम वेपर लैंप्स फॉर एरिया लाइटिंग इन प्लेस ऑफ मरकरी वेपर लैंप्स कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 4 वोल्ट, आपने चार्ट जो देखे उसमें बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन टू बी मेंटेन एट टीएचडी वैल्यू 5% एट टीएचडी आई एट 10%, वोल्टेज वी और आई करंट है। सब प्रोटेक्ट टू बी स्टार्ट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क टू बी ओवरसाइज टू रिड्यूस थर्मल लॉसेज इफ नॉट मच कैपिटल कॉस्ट इज इन्वॉल्व, हार्मोनिक फिल्टर्स टू बी इंस्टॉल्ड, ये बहुत महंगे होते हैं लेकिन अब आपने अपने यूज के हिसाब से इसको देखना है। इसमें तीन टाइप के फिल्टर्स होते हैं, पैसिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर एंड हाइब्रिड फिल्टर। उसकी डिटेल में भी आप जा सकते हैं कि पैसिव फिल्टर एक्टिव और इसमें हाइब्रिड फिल्टर सबसे महंगा होगा और पैसिव फिल्टर सबसे ज्यादा। इसमें मेरे को बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी है कराची में तो लोगों ने कितना किस तरह लॉसेस कर रहा है और जो हमारे इंजीनियर हैं वो भी किस तरह काम कर रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये पावर क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। पिटी द नेशन दैट वियर्स अ क्लॉथ इट डज नॉट वीव्स ईट्स अ ब्रेड इट डज नॉट हार्वेस्ट अ ड्रिंक्स अ वाइन दैट फ्लोस नॉट फ्रॉम इट्स ओन वाइन प्रेस। कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर आप ये देख लें, हम सब रिस्पॉन्सिबल है, खासतौर पर इंजीनियर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो ये कहता हूं कि हम इंजीनियर, ये मैंने एक चार्ट बनाया इससे जिससे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है उसके रेफरेंसेस की, और ये पूरी उसके अंदर आप इसके अंदर जो मतलब ये किताबें हैं जो बुक्स हैं मुझे कई जगह लाइब्रेरी से जाके कुछ मिली है, कुछ मेरे पास थी, तो वो मैंने इससे ये चार्ट की सारी ये बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ इतने शॉर्ट टाइम में, इतना बड़ा मसला है कि और आजकल तो बारिश वारिश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे करें ये मैं मतलब ये, लेकिन अब आपको कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो आप उससे मेरे मेल पे भी कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कोई कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि मेरे जहन में काफी टाइम से काफी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था लेकिन किसी जवाब कोई था नहीं कि जवाब पूछता। सर ये जो टावर होते हैं ना मोबिलिंग ट्रिलिनार के बड़े बड़े टावर होते हैं सर, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो बड़े बड़े टर्बाइन लगे थे, बड़ी तेज हवा कहीं भी हो, देखो हमारे इलाके में इतनी तेज हवा चलती है लेकिन कोई भी किसी भी इलाके में भी उसने अभी तक बड़े बड़े विंड टर्बाइन नहीं लगाए ना, ये तो इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं कि वो अपने टावर को चला सके लेकिन उन्होंने जनरेटर लगाए होते हैं। हमारे इलाके में लोड शेडिंग होती है लेकिन वो जनरेटर यूज करते हैं लेकिन टर्बाइन अगर एक लगा दे तो सारी एनर्जी को अपने कवर कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं लगाते, क्या मसले? इसमें अगर आप कहते हैं टावर पे विंड टर्बाइन आप घरों पे क्यों नहीं लगाए थे, बड़े इसमें एक्चुअली विंड वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, इससे कम होगी तो आपकी जनरेशन सही नहीं होगी और कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे सोलर और विंड टर्बाइन में कैपेसिटी फैक्टर बहुत कम है, 30% के करीब कैपेसिटी फैक्टर बनता है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत। देखें अब जंपीर में जैसे लगी है, हमारे मिनिस्टर ने तो कह दिया था 50 मेगावाट का मैंने प्लांट लगा दिया जंपीर में, विंड टर्बाइन लगी है और उसकी जो गारंटेड फिगर थी वो 16 मेगावाट थी विंड टर्बाइन की। कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जिनकी अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। तो अगर आप इसी तरह सोलर में भी जा रहे हैं तो सोलर में भी मतलब ये पुराने जो पिछले हुक्मरानों ने कि वो आप कायदे आजम सोलर में जो हमने 100 मेगावाट का लगा दिया है, वो 100 मेगावाट आपको उनको इसकी पीक डिमांड क्या आती है उस हिसाब से जब सोलर आपको मिलेगी तो आपको एवरेज किलोवाट आवर आपको देखने पड़ेंगे कि कितने कैपिटल कॉस्ट इसी हिसाब से बढ़ जाती है। ठीक है आप और कोई आपकी कॉस्ट नहीं लग रही लेकिन कैपिटल कॉस्ट इस हिसाब से बढ़ जाती है कि आपकी इनपुट पावर कम मिलती है, वो पावर नहीं मिलती जो कन्वेंशनल आपके उससे मिलती, इसलिए आप कराची में अगर ये टावर है तो उसमें विंड टर्बाइन नहीं लगा सकते। अगर बड़े प्लाट है जैसे जंपीर वाली पूरी लाइन जो है ना, ये एक है कि इसमें विंड वेलोसिटी काफी है, अब विंड वेलोसिटी भी वेरी करती है, तो जब विंड वेलोसिटी अच्छी होगी तो आपको पावर भी ज्यादा अच्छी मिलेगी, विंड वेलोसिटी कम होगी तो पावर भी कम। इसमें कैपिटल कॉस्ट, ट्रांसमिशन कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्टों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हाइड्रो चाइना का एक प्लांट है यहाँ पे जंपीर पे, तो उसमें भी यही है, वो भी मतलब ये कि फिजिबल। फिर आजकल आपकी ट्रांसमिशन लाइन ऐसी नहीं है,
अगर आपने विंड टर्बाइन, ये आप तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल विंड टर्बाइन लगा दे तो उसकी इतनी इनपुट पावर नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, ये है इसलिए कि इसलिए नहीं लगा रहे अच्छा जी। सर जी, ये देखो इधर उस स्टूडेंट में एक झंडे लगाए थे ना, जब नया टायर बना तो तकरीबन एक महीने में हवा ने फाड़ दिए, एक दो हफ्तों में इतनी तेज हवा मुसलसल चलती है, तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि ऊपर लेकिन हाइट उसकी पे एक विंड मुसलसल वेलोसिटी हवा है, चलती है। उसकी एक विंड वेलोसिटी की एक लिमिट है 6.7 पता है अच्छा ये 7 है, मुझे अब याद नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन वो स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे तो इसमें मिल जाएगी, तो वहां पे आपको वेलोसिटी चाहिए। तो इसीलिए अच्छा दुनिया भर में पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि यहाँ के जो जहां पे विंड टर्बाइन लग सकती है उसके एरिया काफी है, ये जरूरी नहीं है कि कराची में या आप या लाहौर में लगा दें, वो अगर उस स्ट्रीम में जैसे जंपीर वाली सी साइड से पूरी लाइन जा रही है ना, ये है आपकी यहाँ पे विंड टर्बाइन, इसलिए सारी विंड टर्बाइन के प्लांट यहाँ पे लग रहा है और इंडिविजुअल नहीं लग रहा है। इसी तरह सोलर में भी, अगर आप सोलर से भी पावर सप्लाई ले सकते हैं, सोलर में फिर आपको प्लांट लगाने काफी 8 मीटर पर किलोवाट का एरिया चाहिए होता है, 8 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहता है पर किलोवाट का, इसका मतलब आपका स्पेस भी इतनी होनी चाहिए कि आप इसको लगाएं। फिर इनकी अपनी एक मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब जैसे अगर आपकी क्या कहते हैं विंड टर्बाइन तकरीबन को 600 वोल्ट देती है, उसको फिर ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए आप 600 वोल्ट को आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे और आपकी जो कंपोनेंट है वो तो 400 वोल्ट के हैं। इसी तरह ग्रिड से करने के लिए उसको 132 kV के ग्रिड पे अगर ग्रिड से कनेक्ट करना है तो 132 kV स्टेप अप करना पड़ेगा उसको वहां पे। ये जी सर, प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिकली मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये कि आप बड़ी मेहनत करके सोना भी निकालें, लेकिन सोना निकालने में कीमत कॉस्ट कितनी आए ये दुनिया, ये तो दुनिया तो इस पर चलती है इकोनॉमिक जी फिजिबिलिटी सर, पे। इसलिए सोलर विंड की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा आती है। अब हो सकता है अब कन्वेंशनल की कॉस्ट बहुत बढ़, जैसे न्यूक्लियर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है लेकिन उसकी एनर्जी कॉस्ट बहुत कम है, इसी तरह हाइड्रल एनर्जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आइडियल समझी जाती है, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए मंगला डैम और तरबेला डैम और आगे डैमों की बड़ी बातें होती है यहाँ पे। लेकिन ये कि अगर आप ये सोलर और विंड में जाएंगे तो उसमें कैपिटल कॉस्ट भी ज्यादा है और आपकी पीक डिमांड के हिसाब से उसके आउटपुट पावर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जी सर बिल्कुल। ये आपको सारी कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, शुक्रिया बेटा।